एक दिवसीय रीवा प्रवास पर पहुंचे कृषि उत्पादन आयुक्त बोले, सही कार्य योजना बनाकर खेती का करें विकास, खेती के विकास की कलेक्टर नियमित करें मॉनिटरिंग। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कृषि विकास की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त श्री SN मिश्रा ने कहा कि रीवा संभाग में पिछले 10 वर्षों में सिंचाई के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। संभाग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। कलेक्टर खेती के विकास के लिए लागू योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें, सही कार्य योजना बनाकर खेती का विकास करें। खेती के विकास से हो रही इस पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। कृषि विकास के कम से कम एक घटक को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रदेश स्तरीय सफलता प्राप्त करने का भी प्रयास करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि जिले की प्रमुख कृषि उपज मंडी को आधुनिक बनाकर ई मंडी की सुविधा किसानों को दें। संभाग में जिला और विकास खंड स्तर पर मिट्टी परीक्षण की सभी प्रयोगशालाओं को सक्रिय किया जाए। मिट्टी में मुख्य रूप से जिंक, सल्फर जैसे पोषक तत्वों की कमी है, इनका उपयोग बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर थोड़ी सी राशि खर्च करके अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेगा। कृषि वैज्ञानिक संभाग की मिट्टी, पानी और तापमान के अनुकूल फसलों तथा फसल तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए। खेती का ज्ञान किसानों तक पहुंचकर ही सार्थक बनेगा। संभाग में कोदो, कुटकी, अरहर, जो मक्का, सरसों, रामतिल आदि की फसलों को बढ़ावा दें। किसानों को जिन फसलों से अधिक लाभ होगा उसे किसान जरूर अपनाएंगे। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार खेती है, इसके विकास के लिए सही कार्य योजना तैयार करें। सभी कलेक्टर साप्ताहिक TL बैठक में इसकी समीक्षा करें। SES ने कहा कि जिले की एक मंडी को हाईटेक बनाकर उसमें अनाजों की आधुनिक तरीके से सफाई तथा ऑटोमेटिक पैकिंग का प्लांट भी लगवाएं। किसानों को कैशलेस भुगतान की व्यवस्था करें। जमीन, फसल तथा किसान की रजिस्ट्री कराकर एग्री स्टेक की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके लागू होते ही किसान को 15 मिनट में किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। मिलेट मिशन में कोदो और कुटकी पर किसान को 10 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त राशि दी जा रही है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। सुपर लीडर और हैप्पी सीडर जैसे कृषि उपकरणों के उपयोग से नरवई की समस्या का समाधान होने के साथ साथ फसल की बोनी में 15 दिन की बचत भी होगी। बैठक में संभाग के सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, जैविक कीट नियंत्रण, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तथा स्केल ऑफ फाइनेंस की समीक्षा की गई। बैठक में सहकारी बैंकों के लंबित ऋणों की वसूली, सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने, कृषि के टर्म लोन की नियमित समीक्षा तथा कृषि फार्मों में बीज उत्पादन के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर्स ने अपने जिले की कृषि कार्य योजना प्रस्तुत की। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव कृषि M सेल्वेंद्रन सहित कमिश्नर रीवा गोपाल चंद्र डाट एवं रीवा संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला पंचायत CO तथा कृषि अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी उपस्थित रहे।